सो वॉट इज़ अप गाइस, मेरा नाम है सौचन्य, वेलकम बैक टू माई चैनल फिजिकली। अभी मैं ग्राउंड पर ट्रेनिंग ही कर रहा हूँ, अभी लोग देख रहे हो वहाँ पे लैडर लगी हुई है, हर्डल्स लगे हैं, कोन्स लगे हैं। तो अभी हम लोग ट्रेनिंग ही करने आए थे, तो इतने में सब अभी वार्म अप पे निकले हैं, मैं जल्दी आ गया। तो मैं सोच रहा हूँ एक वीडियो बना दूँ, बस सोच कर रहा हूँ, सोचा मैंने वीडियो बनाऊँ तो मैं बना रहा हूँ। तो मेरे जो लास्ट वीडियो पे सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी कमेंट सेक्शन में आप सबकी, वो यही थी कि डिस्ट्रिक्ट मीट जो है वो अब 2023 में कब होंगी, 2023 में डिस्ट्रिक्ट मीट्स कब होंगी। तो बेसिकली डिस्ट्रिक्ट मीट्स जो हैं यूजुअली क्या होता है, जहाँ तक मैं पैटर्न पहले देख रहा था प्री कोविड यानी कोविड से पहले, वो ये था कि कभी भी ऐसा नहीं था कि कभी भी हो जाए। यूजुअली एक फिक्स टाइम रहता था डिस्ट्रिक्ट मीट्स का, जैसे कि जुलाई में हो जाती थी क्योंकि उसके बाद स्टेट होते थे अगस्त में, और कभी कभी दो बार भी हो जाती थी। पर अब क्या है कि हो जाती हैं दो बार, बट द थिंग इज़ कि अब कभी फिक्स नहीं रहता। यूजुअली ये लोग कभी भी करवाते हैं। अगर मैं गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट की बात करूं जहाँ मैं रहता हूं, तो यहां पर भी कुछ पैटर्न मतलब क्लियर मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि 2021 में यानी पिछले साल जो डिस्ट्रिक्ट मीट हुई थी वो हुई थी नवंबर में, नवंबर 20 के आसपास, और फिर 2022 की डिस्ट्रिक्ट मीट उसके अगले साल के हिसाब से कब होनी चाहिए थी गाइस, नवंबर में इस साल, यानी कि अभी मतलब आज 21 है, मतलब इस टाइम होनी चाहिए थी, बट नहीं, इस बार डिस्ट्रिक्ट मीट कब हो गई, अप्रैल में। तो मतलब साल में मतलब एक साल का जो गैप होना चाहिए था वो ना होके दूसरी डिस्ट्रिक्ट, मतलब समझ रहे हो आप, 2021 की डिस्ट्रिक्ट मीट, 2021 की डिस्ट्रिक्ट मीट हुई नवंबर में, पर 2022 की अप्रैल में ही हो गई, यानी सिर्फ 4-5 महीने बाद ही हो गई, एक साल का वेट ही नहीं हुआ। और उसके बाद अभी तक जूनियर्स की हुई है, सीनियर्स की नहीं हुई है डिस्ट्रिक्ट मीट की बात अगर करूँ तो, मतलब कन्फर्म नहीं है। ये कोविड के बाद से यूजली ये सब चीज़ें हो रही हैं कि कुछ भी कभी भी हो रहा है। जैसे दिल्ली स्टेट एथलेटिक्स मीट जो थी ओपन, वो पहले एक या दो बार होती थी ज़्यादा से ज़्यादा, अब वो इस बार तो 3 बार हो गई है। एक बार फरवरी में हुई या जनवरी में हुई थी, इस साल की बात कर रहा हूँ, उसके बाद अगस्त में फिर हुई, फिर उसके बाद फिर से अक्टूबर में हो गई, तो 3 बार हो गई। हाँ वो बात अलग है, कुछ दिल्ली स्टेट मीट्स थी, कुछ दिल्ली ओपन एथलेटिक्स थी, बट स्टिल ये टोटल भी 3 बार नहीं होती थी, एक या दो बार ही होती थी, अब 3 बार हो गई हैं। तो चीज़ें थोड़ी ऊपर नीचे हो गई हैं पिछले एक दो साल में कोविड के बाद से। तो अगर मोटी मोटी बात करूँ कि फिर क्या मतलब हमें कैसे पता चलेगा हमारे डिस्ट्रिक्ट में कॉम्पटिशन कब होने वाला है कब नहीं होने वाला है, इतना हार्ड नहीं है। मैंने हमेशा ये कहा है कि बेसिक्स जो हैं उनसे हमेशा जुड़ के रखो, तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और बेसिक्स ये हैं कि मैंने लास्ट मतलब पुराने वीडियोस में भी यही डिस्कस करा है कि आपको अगर यह पता करना है कि आपकी डिस्ट्रिक्ट में मीट कब है, सबसे अच्छा ऑप्शन, सबसे पहला ऑप्शन ये है कि आप जो आपके डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हैं, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स सेक्रेटरी, उनसे कॉन्टैक्ट में रहो। अब बहुत लोगों की यही शिकायत आई थी कि यार वो तो फ़ोन ही नहीं उठाते, और इस पर मैं ज़्यादा हैरान भी नहीं था क्योंकि मेरा मतलब क्या बताऊँ मैं, चलो मैं अपना एक्सपीरियंस ना ही शेयर करूँ तो ये अच्छा है, बट जो भी है, हाँ ये लोग फ़ोन बहुत कम उठाते हैं और मिसमैनेजमेंट बहुत ज़्यादा है, विच इज़ ट्रू। पर अगर गलती से अगर आपकी अच्छी खासी बात जान पहचान हो जाए इनसे तो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मीट कब होने वाली है आपको दो तीन हफ्ते, हो सकता है कि 1 महीने पहले भी पता चल जाएगा अगर आप इनके साथ टच में रहते हैं, अगर आपके साथ इनके अच्छे रिलेशन हैं, जो डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स सेक्रेटरी होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं। अगर नहीं है, अगर ये लोग आपका फ़ोन नहीं उठाते फॉर सपोज़, तो उसमें क्या करें आप, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, आप एक कोई भी लोकल न्यूज़पेपर अपने जगह बंधवा लो, जैसे दैनिक जागरण हो गया, नव भारत टाइम्स हो गया, बहुत सारे हैं, इनमें इंफॉर्मेशन आती है, इनको रोज़ पढ़ो, ठीक है। और मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ कि अब पहले मैं क्या कहता था, पहले यही था कि कन्फर्म नहीं था, मतलब सॉरी, पहले यह था कि कन्फर्म होता था कि मीट कब होगी, अब क्या है कि कन्फर्म है नहीं, इसलिए इट्स बेटर कि आप न्यूज़पेपर लगा के रखो। पहले क्या था कि प्री कोविड की बात है, 2020 से पहले की बात कर रहा हूँ, कि पता ही होता था क्योंकि जो दिल्ली की सपोर्ट जो स्टेट मीट है, क्योंकि दिल्ली में डिस्ट्रिक्ट नहीं होती, वहाँ डायरेक्ट स्टेट होता है, तो वो सबको पता होता था कि हाँ कि वो अगस्त की पहली वीक में होनी है या फिर जुलाई के लास्ट वीक में होनी है, ये कन्फर्म होता था, हर साल यही पैटर्न चलता था, या फिर सितंबर की फर्स्ट वीक, ये कन्फर्म था और हमेशा ऐसे ही होता रहा था। मगर अब क्या है, अब कुछ भी हो रहा है, कभी भी हो रहा है, क्योंकि चीज़ें ऊपर नीचे हो गई। तो ऐसे में अगर आप उनके भरोसे चलोगे कि अच्छा हम तो अपने हिसाब से तैयारी करते हैं, ये लोग तो तभी कराएंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं, हो सकता है कि आप को लग रहा होगी सितंबर में होगी और हो पहले ही जाए, जैसे इस बार तो जल्दी हो गई थी, इस बार तो जुलाई में हुई थी, पता नहीं, मतलब इतना जानता हूँ जल्दी हो गई थी,
तो ये सब जो पैटर्न्स चल रहे हैं उनको नज़र में रखते हुए मैं आप लोगों को बेस्ट टिप जो है वो यही दूंगा कि इट्स बेटर कि आप एक लोकल न्यूज़पेपर लगवा लो और स्ट्रेचिंग पे लग जाओ थोड़ा सा वॉक करके। ये अभी ये बंदा रनिंग करके आया है जो ऑरेंज टी शर्ट में दिख रहा है, हम अभी बाकी भी आ रहे हैं रनिंग करके, तो अभी लोग सब स्ट्रेचिंग पे लगेंगे। तो मैं क्या कह रहा था कि अब जैसे कंफर्म नहीं है कि कौन सी चीज़ कब होगी, तो इट्स बेटर कि आप लोग एक लोकल न्यूज़पेपर लगा के रखो जिससे आपको आइडिया रहे, क्योंकि उसमें आती है, उसमें डेट कॉन्टैक्ट नंबर और सब कुछ लिख कर आता है कि कहाँ पे होगी, किससे किसको आपको कॉन्टैक्ट करना है फॉर्म भरने के लिए, कितनी फीस होगी फॉर्म की, ये सब उसमें लिख के आता है। तो बेस्ट ऑप्शन तो यही है फिर कि आप एक लोकल न्यूज़पेपर लगवा लो जितना जल्दी हो सके, आपके घर के आसपास जो भी बांटते हैं उनसे कॉन्टैक्ट करो, उनको बोलो कि रोज़ सुबह के दे जाएँ, तो आपका काफ़ी फ़ायदा उसमें हो जाएगा। इसके बाद मैं और भी चीज़ें हैं, जैसे काफ़ी जो एसोसिएशंस हैं उनके इंस्टाग्राम पे पेजेस हैं कि भी मैंने पहले डिस्कस करा है, मगर काफ़ियों के है नहीं, मतलब सच बताऊँ तो 95% के है नहीं, बहुत कम है जिनके हैं। तो दिल्ली का है, दिल्ली का इंस्टाग्राम पेज है जहाँ पे वो लोग टाइम टू टाइम अपडेट्स डालते हैं कब होंगे कॉम्पिटिशन्स, कब नहीं होंगे, उनकी वेबसाइट भी प्रॉपर है, वेबसाइट तो सबकी होती है मगर उसमें अपडेट्स बहुत पुरानी रहती हैं, यूजुअली सिर्फ कॉम्पिटिशन के रिजल्ट्स की अपडेट होती है और प्रॉपर अपडेट्स बहुत मिसिंग होती हैं उस पर भी, मिसमैनेजमेंट बहुत है जैसे मैंने कहा। बट न्यूज़पेपर में इन लोगों को डालना ही होता है, ऐसा नहीं हो सकता कि न्यूज़पेपर पे बिना डाले के लोग मीट कराते, वो नहीं हो सकता। तो न्यूज़पेपर आपको कभी धोखा नहीं देगा अगर आप लगवा लो, क्योंकि इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब कंफर्म नहीं है अभी कि किस मंथ होंगी, अब अगर मैं कोई डेट का बोल दूँ मंथ बोल दूँ और उसमें नहीं हुई तो आप लोग मुझे बोलोगे, मगर मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आप लोग चेक कर लेना रिकॉर्ड देख लेना, पहले कोविड से पहले फिक्स होते थे यूजुअली कि इसी मंथ में होगी, मगर कोविड के बाद से कुछ भी हो रहा है, ये मैंने नोटिस करा है, कभी भी हो रहा है, आप खुद देखो ना, मैं प्रूफ के साथ बता, 2021 में नवंबर में हुई थी मीट, तो हिसाब से 2022 के नवंबर में होनी चाहिए थी ना, एक साल बाद, ज़्यादा तो अक्टूबर ले लो, मगर 2022 में कब हुई, अप्रैल में, मतलब एक साल के 4-5 महीने का गैप में दोबारा हो गई, किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं करा था। उसके बाद दोबारा हुई मीट्स, मना नहीं करूँगा, पर वो जूनियर्स की हुई, सीनियर ओपन की हुई नहीं, ये इनका फेसबुक पेज है सीनियर ओपन की, अभी तक इस पर कोई अपडेट नहीं है। तो यही है ये चीज़ कि आप किसी के भरोसे चलोगे तो हो सकता है मिस कर दो कॉम्पिटिशन, या फिर आप हो सकता है कॉम्पिटिशन है और आप प्रिपेयर ना हो, तो इट्स बेटर कि आप ऐसी कोई गलती ना करो, एक लोकल न्यूज़पेपर लगवा लो एंड आपको अपडेट रहेगा तो ज़्यादा बेटर है, बाकी चैनल से जुड़े रहो। एंड यहाँ पे तो मैं अपडेट डाल ही दूंगा अगर कोई मीट होती है, मैं तो मेरा ग्रुप भी अभी मैं बस बनाने ही वाला हूँ टेलीग्राम का, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीडियो की जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगी 2-3 दिन के अंदर, उसके मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा टेलीग्राम के ग्रुप का, आप सब लोग इसको ज्वाइन कर लेना, तो उसमें मेरे पास जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी कॉम्पिटिशन्स की मैं डालता रहूँगा जहाँ जहाँ होने वाले हैं, तो वो एक चीज़ है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा देना, मेरा वीडियो जैसे ही आएगा आपके पास सबसे पहले आ जाएगा। तो फिर मिलेंगे गाइस किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए सब लोग अपना ख्याल रखो।